स्क्रिप्ट में जायदाद के इशू को बहुत ज़्यादा बताया है। तो उस बारे में मैं ये कहूँगी कि रिश्तेदार और रिश्ते बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जायदाद ये चीज़ें सब रह जाती हैं, हम लोगों को वापस जहाँ से आए हैं वहीं जाना है और वहाँ हमने खाली हाथ ही जाना है। तो रिश्तों को इम्पोर्टेंस दें, ना कि जायदाद को। मोहसिन अब्बास हैदर और अस्मा अब्बास, दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। तो किसी भी जैसे सीन ख़त्म होता है, बल्कि सीन में भी कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं होता जहाँ पे हम हंस ना रहे हों और इन्जॉय ना कर रहे हों। तो सीन हो या सीन के बाद की बात हो, हम हमेशा इन्जॉय करते हैं। जिया का जो कैरेक्टर है बहुत ही मासूम, मैंने पहले भी सीरियल किए हैं जिसमें मासूम नहीं हुई, लेकिन ये बहुत ही एक्स्ट्रा मासूम लड़की दिखाई है जो कि अपने लिए बोल भी नहीं पाती है। तो ऐसे ही मासूम सा और बहुत सुलझी हुई लड़की का कैरेक्टर है। मोहसिन के साथ मेरा ऑफ स्क्रीन रिलेशन बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली है वो, और क्योंकि वो फैसलाबादी है, मैं लाहौरी हूँ, कहीं ना कहीं पंजाब वाली चीज़ आ जाती है, बड़ी जुगतें और ये वो चीज़ें, तो बड़ा इन्जॉय करते हैं हम दोनों। मैं बहुत एक्साइटेड थी सवेरा जी के साथ काम करने के लिए, क्योंकि बहुत सीनियर एक्ट्रेस है और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। बहुत मुझे वो उनकी पर्सनैलिटी बड़ी डिसेंट और ग्रेसफुल सी जब मैं नहीं मिली थी वैसी लगती थी, और बिल्कुल मैंने उनको वैसे ही सेट पे देखा। और उनके साथ काम करके मेरे ख़्याल से हम किसी के साथ भी काम करें, वो हमारा सीनियर हो या जूनियर हो, हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। तो और ये तो सीनियर है, तो मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है उनसे। बिग बैंग के साथ काम करके, मेरी फैमिली है बिग बैंग अब, और मैं ज़्यादातर अपनी लाइफ का जो कुछ भी मैंने काम किया वो इन लोगों के साथ किया, इन लोगों की वजह से किया है। तो मुझे हमेशा ही चेंज लगता है बाकी लोगों के साथ काम करते हुए इनके साथ, क्योंकि मैं इतनी कंफर्टेबल हूँ, ऐसा कंफर्ट लेवल मेरा और किसी और के साथ काम करके नहीं आता अनफॉर्चुनेटली। लेकिन बिग बैंग को मैं थैंक्स मिल के कहना चाहूँगी इतने सपोर्ट और इतने प्यार के लिए। रिश्तों को अहमियत दें, रिश्ते जब नहीं होते तो फिर उनकी कदर होती है, एहसास होता है, ना कि जायदाद को और अपने और ख्वाबों को जो पूरे होना थोड़े मुश्किल होते हैं, उसकी वजह से हम अपने रिश्तों को, अपने करीबी लोगों को उनको इग्नोर कर देते हैं, और जब वो लोग नहीं रहते तो फिर हमें कदर होती है। तो कदर करें रिश्तों की, ना कि जायदाद, पैसा और मटीरियलिस्टिक चीज़ों की।